दोस्तों आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के 41वें मैच में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 6 विकेट से हराकर सेमीफाइनल का टिकट पक्का कर लिया है। वहीं न्यूजीलैंड की इस जीत से पाकिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचने का सपना चकनाचूर हो गया है। ये न्यूजीलैंड की 5वीं जीत है जिससे उसके खाते में कुल 10 पॉइंट हो गए हैं और वह चौथे पायदान पर अपनी स्थिति पहले से ज्यादा मजबूत कर रही है। दोस्तों आपको बता दें कि पहले न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर श्रीलंका को 171 रन पर ढेर कर दिया और फिर जवाब में न्यूजीलैंड ने 5 विकेट खोकर 23.2 ओवर में ही लक्ष्य को हासिल कर लिया। न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 160 गेंद शेष रहते हुए हराया जिससे पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल में पहुंचना लगभग नामुमकिन हो गया है। दोस्तों अब अगर पाकिस्तान को टॉप 4 में जगह बनानी है तो उसे अपने अगले मैच में इंग्लैंड को 287 रन या फिर 275 गेंद शेष रहते हुए हराना होगा जो लगभग असंभव है। मान लीजिए अगर पाकिस्तान 300 रनों का स्कोर खड़ा करता है तो उसे इंग्लैंड को 13 रन पर ऑल आउट करना होगा। अगर पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड को 50 रन पर आउट कर देती है तो उसे 2.3 ओवर में लक्ष्य हासिल करना होगा। न्यूजीलैंड के लिए यह मुकाबला काफी अहम था क्योंकि उसे भारत और साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के साथ सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए श्रीलंका के खिलाफ जीत हासिल करने की जरूरत थी। अब उसका नेट रन रेट 9 मैच में 10 अंक से प्लस 0.743 है। दोस्तों वहीं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के 8-8 अंक है जिन्हें न्यूजीलैंड के करीब पहुंचने के लिए चमत्कार ही करना होगा और इससे न्यूजीलैंड के अंतिम 4 में पहुंचने की पूरी उम्मीद है। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताएं कि पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए कामयाब हो पाएगी या नहीं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।